हम लोग आज जकोविज मेथड का, ओके? तो जकोविज मेथड में क्या है एक्चुअल में कि ये आपका एक इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड कहने का मतलब क्या, ऐसा मेथड जो रिपीट होता हो, मतलब जिसमें काम बार 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 एक ही जैसा रिपीट होकर हम आंसर के करीब में पहुंचते हैं। मतलब कुल मिला के जो अप्रोक्सीमेशन वाला जो मामला था, इससे पहले चल रहा था, वैसा ही कुछ मेथड है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बात आपको रिपीट होते रहेंगी, कंटिन्यूअस सिमिलर काम रिपीट, एक जैसा काम बार 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 रिपीट करना है, मतलब ये जकोबिज इटरेटिव मेथड है दोस्तों। चलिए अब इसमें इसके रूल्स क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इस मेथड से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, एक्स वाई और जेड का तीन वेरिएबल के अगर है तो एक्स वाई जेड का क्या मान निकालना है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, क्योंकि इसमें बार बार आप देखोगे क्या होगा कि आप एक ही टाइप के काम कर करके रिपीट करोगे और फाइनली आंसर को ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। तो दोस्त बात करते हैं हम लोग जकोबिज मेथड में कि हमारे पास तीन इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री, ये तीन इक्वेशन दोस्तों आपको दिया रहेगा और इसको बोलेगा कि आप इसको जकोबिज मेथड से सॉल्व करके दिखाइए, ओके? कौन सा मेथड, जकोबिज मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, x का y का z z z का जो कोफिशियंट है इसको बोलते हैं कोफिशियंट, मतलब x के जो गुणांक में जो वैल्यू है वो कोफिशियंट ऑफ x, ये कोफिशियंट ऑफ y, ये कोफिशियंट ऑफ z। तो देखिए इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। कौन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, तो देखिए ध्यान से ए वन बी टू सी थ्री, यहाँ इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि इसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो होगा इक्वेशन का, इसकी कंडीशन है कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो होगा इसका, यानी ए वन बी टू ए सी थ्री, इसका लीडिंग डायगोनल हुआ, यह बड़ा होगा क्रोस्पोंडिंग जो आपका वेरिएबल होगा उसके कॉफिशियंट से। अब क्या क्या क्रोस्पोंडिंग, क्या बोल गए सर, कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत मतलब मालूम चला, कुछ पता नहीं चला, कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सोचो और सिंपल समझो कि अगर तीन इक्वेशन रहेगा उसमें से एक्स का जो गुना में रहेगा वो बाकी दो वैल्यू के गुना में बड़ा है, तो इसमें वाई के जो गुना में रहेगा बाकी दो के जो एक्स और जेड के गुना में वो है उस सबसे बड़ा है, और इस इक्वेशन में जो जेड में है वो बड़ा रहेगा बाकी दो इक्वेशन के गुना में है उस वैल्यू से। ये सिंपल भाषा में हो गया बात क्लियर। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, जकोबिज मेथड लगाने जाएंगे, और अगर जकोबिज मेथड से आपको सवाल देगा तो ऐसा देगा ही, है ना। ये अलग बात है कि हो सके कि एक्स वाला हो सके आपका ये सर खाली यहीं पे जो एक्स रहेगा उसी का सबसे बड़ा होगा, एक लाइन से दिया रहेगा, नहीं हो सके यहाँ वाला का एक्स बड़ा हो तो इसको फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकेंड वो, थर्ड वो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट सेकेंड मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों इक्वेशन में से मान लें एक्स वाला का इसमें सबसे बड़ा हो गया तो इसमें वाई वाला का होना चाहिए, इसमें जेड वाला का होना चाहिए, अगर इसमें एक्स वाला का हो गया तो इसमें y वाला होना चाहिए, इसमें z वाला होना चाहिए, और इसमें y वाला हो गया तो इसमें x वाला होना चाहिए, इसमें z वाला होना चाहिए, मतलब तीनों में से एक में एक का कोफिशियंट जो रहेगा वो बाकी दोनों के कोफिशियंट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्या बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसमें जो जकोबिज मेथड से सॉल्यूशन करने का जो तरीका है उसमें क्या करेंगे, राइट एट फर्स्ट स्टेप्स क्या है, स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स क्या होंगे दोस्त, राइट एट फर्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना। कैसे लिखेंगे, इसमें का मान लेते हैं, इसमें का x के कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, इसमें का y का है, इसमें का z का है, तो आपको किसी न किसी में तो आपको मिलेगा, है ना। तो x y z ऐसा मान लेते हैं, हो सकता है कि इसमें का x का ना हो के इसमें का y का है, इसमें का x का, इसमें का z का, तो उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, लेकिन ए वो जो रहेगा बाकी दो से सब बड़ा ही रहेगा, ठीक, कोफिशियंट से, जिसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ओके। अब दोस्त बात करते हैं यहाँ पे राइट एट फर्स्ट, फर्स्ट क्या करना है आपको, राइट कैसे लिखना है आपको, एकदम इसका कोफिशियंट ए जो है ना, ये ए उसका कोफिशियंट आपका सबसे बड़ा है, तो इसको बाकी एक्स को बाकी के टर्म में लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, दोस्त एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए तो इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी वन माइनस
बी वन वाई माइनस सी वन जेड। अब दोस्त ई तो आ गया, अरे ए वन एक्स तो आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो ये वन बाई ए वन, ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्त अगर बात करें हम लोग उसी तरीके से y निकालने की, तो y बराबर लिख सकते हैं क्या, y को रखेंगे बाकी सब उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा d2 माइनस, दोस्त क्या हो जाएगा, d2 माइनस ए टू एक्स माइनस सी टू जेड अपॉन वन बाय, सब उधर भेजिए, इसको भेजेंगे तो हो जाएगा वन बाय बी टू। दोस्त z बराबर क्या लिख पाएंगे हम लोग यहाँ से, z बराबर क्या लिख पाएंगे, बहुत ही सिंपल, d3 माइनस, क्योंकि z का कोएफिशिएंट सबसे बड़ा रहेगा, इसके टर्म में इसको पूरा लिख लेंगे, z बराबर d3 माइनस a3x माइनस b3y इंटू का वन बाई वन बाई सी थ्री, वन बाई सी थ्री। दोस्त ये आपके पास इक्वेशन हो गए, अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फोर फाइव और सिक्स, क्लियर। अब दोस्त यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, देन स्टेप टू क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपका ये हो गया, स्टेप फर्स्ट ये हो गया, स्टेप टू में क्या करना है दोस्त, स्टेप टू में, स्टेप फर्स्ट था स्टेप टू, पहला स्टेप राइट द राइट एट फर्स्ट, आपको ये पहले ये काम कर लेना है, ऐसे लिख लेना है एकदम, जैसे इक्वेशन मिलेगा जकोबी कहा या गॉस सीडियल कहा, दोनों में वैसा ही काम होगा, जब दो मेथड बजा है गॉस सीडियल और जकोबी दोनों में सेम होगा, जैसे ही मिला इतना कर लेना है। स्टेप टू, टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एज, या पुट कर सकते हैं टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एज, आपको कैसे करना है, एक्स नॉट बराबर वाई नॉट बराबर जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का मान भी जीरो, वाई का मान भी जीरो, जेड का मान भी जीरो, मतलब x नॉट y नॉट शुरू वाला इनिशियल, मतलब अभी आपको कोई x y किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो आपको स्टार्टिंग में सबको क्या मान लेना है, जीरो। ये काम करने का तरीका है, यहाँ से जैसे ही आप मान लोगे तो सब में जीरो जीरो पुट करके वैल्यू निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगा फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट करके फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा फिर वैल्यू पुट करके निकालेंगे, फिर जो आएगा फिर पुट करके निकालेंगे। अब आपका कहना होगा सर ये कब तक करते रहेंगे, ये कब तक चलते रहेगा ऐसे, तो हम देखेंगे कि जब हमारा आंसर करेक्शन की तरफ पहुंचने लगा, परफेक्शन की तरफ, जैसे कि उसमें देखते थे कि दशमलव के बाद इतना बार फिक्स होने लगा तो हम समझ जाएंगे कि आंसर अब इतना ही पर रुकने वाला है, तो वो आपको हम बताएंगे जब आंसर आएगा तब, तत्काल आपको इसी तरीके का काम करना है। इतना आपका ये बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स है, ऐसे दिया है ऐसे लिखेंगे फटाफट, दीवार देखेंगे डायगोनल एलिमेंट उसको ऐसे लिख लेंगे फटाफट, और उसके बाद ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ये सब तो यहाँ तक तो समझ में आया, क्या अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे समझ में नहीं आया भाई, एक्स वाई जेड का मान जीरो जीरो पहले पुट करके तब इसका वैल्यू निकालेंगे, वो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेटेड रूट आएगा, तो ये काम हम लोग शुरू करेंगे। अब ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं एक्स पे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय जकोबीज मेथड, ठीक है, जकोबीज मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 20x प्लस वाई माइनस टू जेड इज इक्वल टू 17 और 3x प्लस 20y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 18 और अगला है 2x माइनस 3y प्लस 20z इज इक्वल टू 25। सॉरी दोस्तों, वेरी सॉरी, हाँ भाई कोरोना वायरस चला गया हुआ है। चलो दोस्त ये तीन ठो इक्वेशन है हमारे पास,
अब बात करें दोस्तों इसमें, तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए हैं, आपके दिमाग में बात सब सेट हो जानी चाहिए। सबसे पहले आपको बताया है बाबू कि इसको क्या करेंगे हम, डायगोनल एलिमेंट देख लेंगे भाई, इसका बड़ा है अच्छा, ये दोनों से बड़ा है अच्छा, ये है इस वाले क्वेश्चन में ये बड़ा है अच्छा, इस वाले में ये बड़ा है अच्छा, तीनों हमको मिल गया। अब इसके टर्म में हम फटाफट लिख लेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, लिखा जा सकता है रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है बाबू, तो ऐसे क्या 20 इसको लिख सकते हैं x बराबर नहीं, उधर का 17 यानी 17 माइनस y प्लस 2z इंटू का 1/20, इसको मान लेंगे इक्वेशन 4, जैसे हम लोग सीखे वैसा एक से हम करेंगे, कुछ भी नहीं अलग। y बराबर क्या करेंगे बाबू, 1/20 इंटू -18 -20y प्लस जेड इक्वेशन 5, और z बराबर क्या करेंगे 1/20 इंटू का 1/20 इंटू का 25 माइनस 2x प्लस 3y इक्वेशन नंबर 6। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक करने के बाद बाबू क्या करेंगे हम लोग इसमें, क्या करेंगे इसमें, टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है ना, तो टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, और वो होगा x बराबर y बराबर z बराबर 0। ठीक है, x y और z का मान क्या पुट करेंगे इसमें, 0 पुट करेंगे। तो चलिए x निकालने चलते हैं, है ना, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x y बराबर 0 और 0। नाउ फर्स्ट अप्रोक्स या फर्स्ट इटरेशन है ना, या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोल सकते थे, फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा बाबू बताओ, x1 इसका नाम दे देंगे, अभी x1 का मान निकालना शुरू कर लेना। क्या करेंगे, y और z का मान 0 रखेंगे, और यहाँ से जो निकल के आएगा हमें वो हम मान लेंगे कि हमारा x1 y1 z1 आ रहा है, पहला n मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी, जैसे हमको पता है कि x की एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू हमारा x y z होनी चाहिए थी, तो जो कि हमें यहाँ निकल गया है, मान के चलते x1 निकल के आया जो लगभग आंसर है ना, सही नहीं है लगभग, y1 आया z1 आया, तो इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड रूट हमें पता करें यानी फर्स्ट इटरेशन क्या होगा। तो दोस्त क्या करेंगे देखो, 1/20 इंटू का 17, ठीक है ध्यान से हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों डायरेक्ट कैसे, x का यहाँ पे पुट करना है आपको फर्स्ट में, सेकेंड में और थर्ड में, पुटिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ना, तो आप x y और z मान पुट करो 0 0, x 0 मत पुट करना क्योंकि x हम निकालने जा रहे हैं, तो ये हमें ये निकालने जा रहे हैं, ये दोनों हमें 0 0 पुट करना है इस इक्वेशन में, और जैसे इसको पुट करेंगे ये दोस्त कितना बनेगा 17/20 बनेगा, और ये कुल मिला के कितना आ जाएगा 0.85 आ जाएगा वो। ठीक है, अच्छा उसी तरह से y1 निकालने जब जाएंगे बाबू ये इसमें पुट करके, तो क्या करेंगे y1 पुट करेंगे, जैसे y का 0 और z का 0, देखिए ध्यान से y का 0 और z का, क्योंकि अभी y भी नहीं पता है z भी नहीं पता, y z नहीं पता है, तो हम इसमें पुट करेंगे y z का मान 0 0, क्योंकि हमको अभी वहाँ पे पता है, हमको y z 0 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा -18/20, कितना आ जाएगा -0.9। बाबू z1 के मान के बारे में फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेटेड रूट की बात करें, तो इसमें अब x आपको नहीं पता है, y नहीं पता, xy इस वाले के देखो अब आगे चल के बताएंगे कि जो आ गया ना उसको यूज करने लगेंगे इसमें, तो वही सीरियल हो जाता है, वो आगे चल के बताएंगे, अभी तत्काल सब में 0 0 पुट करके पहला निकालना है, इसमें 0 पुट कर लिए, इसमें भी 0 0 पुट कर लिए, yz का इसमें भी x और y का मान क्या हो जाएगा 0 0, तो ये हो जाएगा 25/25/20, दिस कम्स आउट 0. कितना आ जाएगा ये 0.1 का मान कितना 1.125 एग्जैक्टली, ये 1 पर 0 तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये जाएगा 1.125। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट इटरेशन आ गया,
1.25. बहुत बढ़िया, कोई नहीं, सुधार कर लीजिए, देख लीजिए इसको, आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, ये पहला इटरेशन आ गया है ना, अब चलिए, अब जब सेकेंड इटरेशन निकालने जाएंगे तो इस सब की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इटरेशन है ना, इन इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमें मिलेगा क्या, सेकेंड इटरेशन। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास एक्स वाई जेड का मान है, तो वाई के बदले वाई वन पुट कर देंगे और जेड के बदले जेड वन पुट कर देंगे, तो फिर यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे y1 और z1 तो y2 आ जाएगा, फिर x1 और y1 तो आपको क्या मिल जाएगा, z2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते चलेंगे। तो चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग, नाउ क्या करेंगे, पुटिंग द अगर टाइम ना रहे तो ये सब डायरेक्ट सेकेंड इटरेशन लिख लेना है, अगर टाइम रहे तो बढ़िया से लिखो बना के, है ना, टाइम ना रहे तो आप क्या करना, डायरेक्ट सेकेंड इटरेशन फटाफट। हाँ कब एग्जाम मैथ ऐसा होता है कि मैथ के एग्जामिनेशन में के दिन देखिए खास करके टाइम कमता है ना, बच्चों सबको देखिएगा कि अदर पेपर में तो मैनेज कर लेता है टाइम को, लेकिन मैथ के पेपर में देखिएगा ज़्यादातर बच्चे का मैक्सिमम बच्चे को टाइम ही नहीं मिला, इसके कारण दो क्वेश्चन छूट गया तीन को, तो वो आप कंट्रोल इस सब चीज़ से कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन एंड जेड वन इन इक्वेशन फोर फिफ्थ एंड सिक्स वी गेट सेकेंड इटरेशन। और इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हो तो एक्स बराबर एक्स वन, वाई बराबर वाई वन, जेड बराबर जेड वन, नहीं एक्स के बदले क्या रखना है, वाई के बदले क्या रखना है, वाई वन रखना है, जेड के बदले क्या जेड वन रखना है, तो आप इसको और बढ़ा चढ़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स बराबर एक्स वन, वाई बराबर वाई वन एंड जेड बराबर जेड वन, है कि नहीं, बस बातें वही है। अब चलिए फिर पुट करते हैं, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और नेक्स्ट पेज में जैसे चलेंगे तो ये वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट करेंगे क्या, अब हमारे पास तो फिर प्रॉब्लम ही है ना, अब इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम, चलिए अब थोड़ा छोटा छोटा लिखना शुरू करते हैं क्योंकि ये काम थोड़ा बढ़ने वाला है, तो थोड़ा छोटा छोटा करना शुरू करते हैं। तो देखिए एक्स बराबर क्या था, जरा सा बोलिएगा, हम जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर दें, एक्स बराबर 1/20 इंटू हाँ हाँ वाई टू जेड, ओके वाई बराबर 1/20 -18 -3x प्लस जेड, अच्छा जेड बराबर 25 -2x हाँ +3y ठीक है, और ये आपका है 4, 5 and 6। आप बार बार नहीं लिखिएगा, आपके कॉपी में रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ में बोर्ड पे बार बार जाना पड़ेगा बैक में पुट करने के लिए, हालांकि हमें जाना ही चाहिए था, है ना, लेकिन चलो कोई नहीं, अब लिख लिए तो लिख लिए और क्या, है ना। तो x बराबर बताइए क्या यहाँ से लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 1/20 x2, नाउ सेकेंड इटरेशन क्या हो जाएगा, x2 बराबर, है ना, आप ये नहीं लिखिएगा बार बार, है ना, x2 बराबर क्या हो जाएगा 1/20 इंटू 17 माइनस y के मतलब y1 पुट करेंगे, तो y हाँ तो y y y के मतलब y1 हो, y1 का मान देखिए कहाँ है, y1 का मान कितना है -0.9, है ना, तो ये जाएगा -0.9 ठीक है, प्लस 2 इंटू का जेड, जेड का मान कितना है, वो जेड वन का मान कितना है, अब जेड के बदले जेड वन डालेंगे, जेड वन का मान कितना है 1.25, ये हो जाएगा, और इसे कितना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बाबू 1.02। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम वाई टू निकालें बाबू तो 1/20, अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो इसको, है ना, कुछ मतलब कुछ नहीं, एक ही तरह के काम रिपीट करना है। अच्छा 1/20 -18 -3 इंटू एक्स का मान, एक्स वन का मान कितना है, एक्स वन का मान कितना है 0.85, ये हो जाएगा 0.85, अच्छा प्लस जेड कितना है 1.25, यहाँ से कितना आ रहा है बाबू कैलकुलेट करके, -0.965, अच्छा जेड टू कितना आ रहा है 1/20
25 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 0.85, एक्स का मान वही था 0.85, एक्स वन का मान, और ये हो जाएगा 3 इंटू वाई वन का मान कितना है माइनस 0.9। दोस्तों यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 1.03, हाँ कितना आ जाएगा 1.03, ये आ गया आपके पास सेकेंड इटरेशन, यानी सो इसमें लिख चुके थे ना हम लोग कि सो सेकेंड इटरेशन इज इक्वल टू, हाँ सो इतना वी गेट सेकेंड इटरेशन, है ना, सेकेंड इटरेशन हमें ये मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है दोस्त? अच्छा अब अगेन पुट एक्स बराबर एक्स टू, वाई बराबर वाई टू एंड जेड बराबर जेड टू इन इक्वेशन, जेड बराबर जेड टू इन इक्वेशन 4, 5 and 6 वी गेट थर्ड इटरेशन, है ना, थर्ड इटरेशन अब इसीलिए तैयार किए थे। अब यहाँ से आप x3 y3 z3 निकाल सकते हैं, है ना। x3 बराबर क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ गौर से 1/20 25 17 माइनस वाई का मान, देखिए y2 का मान रखेंगे, y2 का मान आया है माइनस 0.965, ठीक है, और z का मान है 2 इंटू का z2 का मान कितना है बाबू 1.03। इसका कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 1.00125। अच्छा 1/20 यह आएगा 80, कितना आएगा, किधर गया 18 है, माइनस 18 माइनस 3 इंटू का x2 का मान देखो बाबू कितना है 1.02 प्लस z का मान कितना है 1.03 z2 का मान, ठीक है बाबू यहाँ तक ठीक। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है माइनस 1.0015। अच्छा z3 बराबर कितना है बाबू 1/20 हाँ 25 माइनस 2 इंटू का x का मान कितना है 1.02 और 3 इंटू का y का मान कितना है माइनस 0.965 मानी y2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x2 y2 z2 रखा गया है, और ये कितना आ रहा है बाबू 1.00325। दोस्त इस तरीके से आप गौर से देखो ध्यान से, इसमें अगर मेंशन ना किया हो कि ये कितना इटरेशन तक करना है, अगर नहीं बताया हो तो हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे। अब गौर से अपने आंसर को देखो, फर्स्ट इटरेशन को देखो, सेकेंड इटरेशन को देखो और थर्ड इटरेशन को देखो, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 को देखिए, और इसमें आप देखिएगा लास्ट वाला जो देखिएगा इसमें आप देखिए एक आंसर फिक्स तरीके की नहीं बढ़ रही है, इसको लगभग आप 1 नहीं लिख सकते हैं, ये लगभग क्या हो जाएगा -1, ये लगभग 1 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है आपको 1.00000032 को क्या लिख सकते हो आप 1 लिखोगे ना, -1.00025 सबको क्या लिखोगे आप 1-1 लिखोगे ना, तो ये देखो आंसर एक फिक्सेशन की तरफ बढ़ गया। तो इस तरीके से जब हमारा आंसर यहाँ पहुँच जाएंगे तो हम लोग कहेंगे सो x3 इज लगभग कितना हो जाएगा x3 इसको ऐसे कर लेते हैं सो x इज इक्वल टू x3 लगभग कितना आ जाएगा 1, है ना, एंड y3 लगभग कितना होगा बाबू -1 एंड z3 लगभग 1। और अभी आपको बताए हैं कि हम लोग दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम अभी आपको बताए हैं कि इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आते, वो अप्रॉक्स आंसर आता है, इसलिए लगभग 1 आया लिखे हैं उस सबको जितना कि, तो आप देख लेना गौर से जब तीनों आंसर एक तरह से फिक्सेशन की तरफ बढ़ जाएगा वहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिएगा, और स्टॉप करने के बाद लिख लेंगे वो हमारा वो आंसर हो गया लगभग, है क्या ये बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप
अभी तक पूरी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लिए कि कैसे हम लोग गॉस यानी जकोबी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और जकोबी मेथड क्या होता है। दोस्त अगर हम आपको बात करें गॉस सीडल मेथड की, है ना, तो इसी लेक्चर में हम लोग गॉस सीडल को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आइए और देखते हैं, है ना, गॉस सीडल मेथड। ओके दोस्त, देखो दोस्त ध्यान दो यहाँ से, गॉस सीडल मेथड ये भी इटरेटिव मेथड है, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा हम आपको समझाते हैं, ठीक है, अंतर आपको समझाते हैं, आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करना है, और दो क्वेश्चन आप अलग से प्रैक्टिस कर लोगे इस पे बेस्ट, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएंगे और आपके बुक में भी है, तो दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे इसी तरीके से, आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे, एग्जाम में 100% बनेंगे। अगर पूछ दिया तो आए, देखो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है तीनों मेथड में से कोई ना कोई, ठीक, छः नंबर में। अब बात करते हैं दोस्त गॉस सीडल मेथड की, तो इसमें आप देखिए जकोबीज में थोड़ा सा सुधार किया गया, ताकि अब इसमें भी आप कहोगे सर इसको क्यों लाया गया, तो वही आंसर की तरफ तेजी से पहुंचने का। तो गॉस सीडल का जो रेट है ना, रेट ऑफ कन्वर्जन मतलब आंसर की तरफ जाने का जो रेट है, वो फास्ट है किससे, जकोबीज मेथड से। तो जकोबीज भी इटरेटिव है, सीडल भी इटरेटिव है, मतलब दोनों में बार बार एक ही तरह के काम करना होता है, लेकिन फास्ट कौन है, फास्ट में आंसर की तरफ कौन जाता है, तो वो जाता है सीडल मेथड जाता है, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन किसका ज्यादा है, रेट ऑफ कन्वर्जन सीडल का ज्यादा है, किससे, जकोबी से। क्लियर, अब अच्छा अब इसमें क्या होगा, यहां तक दोस्त आप हेडिंग लगाओगे सीडल का, ठीक है, और ये सारा कॉन्सेप्ट सेम है, यहां तक सेम, ये भी सेम रहेगा, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेना है सेम, है ना, एक्स वाई जेड बराबर जीरो, लेकिन क्या होगा एक स्टेप के बाद, जैसे ही देखिए इसमें क्या होता है, ये फास्ट क्यों होता है समझिए, अभी इसको अभी हम आपको हेडिंग लगा के करवा देते हैं अच्छे से, लेकिन तत्काल आप ये मेथड आप सब नोट कर लिए होगा, बात हम अपेक्षा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सीडल की तरफ, तो देखिए इतना काम उसमें भी सेम रहेगा सब, अंतर कहाँ आएगा देखिए, जैसे ये सवाल है यहाँ तक सब सेम गया, यहाँ तक सब सेम आया, ठीक, ये सब बात करना सब सेम आया। देखिए अब क्या दिक्कत क्या होगी, स्टार्टिंग कहाँ से होगा इस किस में, सीडल में, सीडल में क्या चेंजेस जाएंगे, जैसे अभी आपके पास फर्स्ट जब आप x1 निकालने गए, जब आप x1 निकालने गए तो उस समय तक आपको ना y पता था ना z पता था, नहीं तो आप y को जीरो रख दिए, z को जीरो रख दिए, ठीक, तो आपको मिला वाई जेड जीरो रखने पर ये मिला x का मान 0.85 यानी x1 मिला। जब लेकिन y1 निकालने गए, जब आप y का मान निकालने गए तो आपके पास न y पता था, ठीक है, न z पता था, है ना, जब निकालने गए तो न y पता था न z, तो इसमें रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y और z जीरो जीरो रखेंगे, इसमें भी नहीं पता था जीरो जीरो रखे, इसमें भी नहीं पता था जीरो जीरो रखे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये रखेंगे तो दोस्त ये बन जाएगा -0.9। लेकिन 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 दोस्त जब z1 निकालने जाएंगे तो हमको x भी पता है, x1 वाला पहले से निकाल लिया ये, और y1 भी पता है पहले वाला, अब क्या करेंगे हम इसमें जीरो जीरो नहीं पुट करेंगे, हमको पहले से मालूम है तो इसको रख देंगे तो और काम जल्दी होगा, नहीं उसमें क्या करते थे जकोबी में जीरो जीरो रख देते थे, इसमें जीरो जीरो नहीं रखेंगे, ये आते जाएगा वैल्यू और पुट करते जाएंगे वैल्यू, आते जाएगा वैल्यू पुट करते जाएंगे वैल्यू, आते जाएगा पुट करते जाएंगे, आते जाएगा पुट करते जाएंगे, कुछ इस तरीके से काम होती है, तो इसलिए ये फास्ट हो जाता है सीडल में। तो मतलब इसी सवाल को अगर हम सीडल से बना के आपको दिखाए तो मजा आ जाए, है कि नहीं, तो चलिए हम लोग आप अपना हेडिंग लगा लीजिए गॉस सीडल मेथड, और इतना फिर शुरू से नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा सीडल वाला भी। तो इसमें आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये जकोबी है ना, इसको लिख लीजिए, अब अगला इतना काम तो इसमें भी करना है, तो ये आप लिख लीजिए गॉस सीडल मेथड। ओके दोस्त, ये हो गया गॉस सीडल मेथड, और यहाँ तक आप काम कर लीजिए सेम, और इसके बाद जब आइए तो एक सवाल लिखिए और ये सॉल्व बाय सीडल नहीं जकोबी, और सवाल आपको देना है लीनियर इक्वेशन, तीन को इक्वेशन ही आपको दिया रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, तो ये होगा सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड, किसके द्वारा, अभी जकोबी द्वारा दिया हुआ था, अब इसको क्या करना है गॉस और सीडल मेथड। अब इसी आपको इसी सवाल को हम क्यों दिए, इसके पीछे वजह है, आप वहां पर तीन इटरेशन के बाद आंसर के करीब लगभग फिक्स हुए थे, अब इससे करके देखिए क्या उससे जल्दी आंसर की तरफ आप जा रहे हैं, है कि नहीं,
तो आपको पता भी चल जाएगा कि इससे फास्ट में आंसर की तरफ पहुंचते हैं, उसमें स्लो चलते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ कन्वर्जन किसका ज़्यादा है कि नहीं। हालांकि ये आपसे नहीं पूछता कि रेट ऑफ कन्वर्जन किसका ज़्यादा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें आखिर दोनों दो मेथड हम क्यों बना लिए है ना, दोनों में क्या ये डिफरेंसेस रहे, तो वो चीज़ें। तो चलिए आप बात करते हैं दोस्त, इतना जब सवाल मिलेगा तो सीडल में भी वही काम करना है, गॉस सीडल में भी ऐसे लिख लेना है, सिमिलर है, मिलता जुलता अप्रोक्सीमेशन ये लेंगे और फर्स्ट डेसन यहाँ तक तो सेम करेंगे, यहाँ तक तो सेम काम करेंगे, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा, सब चीज़ सेम रहेगा बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब देखो जब हम आप अच्छा जब हम इसको करने आएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y, अरे यहाँ पे गलत लिखा हुआ क्या, y बराबर यहाँ पे x ना होगा जी, ओहो दोस्त यहाँ पे x होगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा उसमें भी, पिछले वाले में भी, बाकी यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे थे वो x ही था है ना, क्योंकि हमको आंसर मिलते गया था, हमने ध्यान नहीं दिया आंसर मिलते गया, बाकी ये सही है ना, ये x ही वहाँ पे x की वैल्यू लेके कैलकुलेट किया गया है तो वो सही है, आप उसको वहाँ पे x कर लीजिएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ से कि हम लोग यहाँ जब x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें न y पता रहेगा न z पता रहेगा है ना, ये भी इसको भी आप सही करना पड़ेगा, ये भी अब बदलते रहेगा इसके हिसाब से नहीं। चलिए तो आप देखिए ध्यान से, जब हम x निकालने जाएंगे तो ना आपको y पता रहेगा न z पता रहेगा स्टार्टिंग में, तो y z का मान हम वहाँ से जीरो पुट करेंगे और जीरो पुट करते ही हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम y के लिए निकलेंगे दोस्त, y के लिए, तो क्या होगा, आपको x पता चल गया है तो x जो मिल गया उसको यहाँ पर रख देंगे, z नहीं पता था z को जीरो रखेंगे, z अभी तक भी नहीं पता है इसमें से, z नहीं पता है तो z नहीं पता है तो जीरो रखेंगे, लेकिन x हमको तो मिल चुका है x1 यहाँ से तो इसमें पुट कर देंगे, तो y1 बराबर जो लिखेंगे ना दोस्त वो हो जाएगा 1/20 - 18 ठीक है, माइनस ये देखो तो बाबू ये 20 इंटू का इतना है क्या, गलत लग रहा है हमको क्वेश्चन में, ये यहाँ 3x है, ऑन करो दोस्त, यहाँ पे आपका जो है ना -3x होना चाहिए था है ना, -3x है, तो इसको भी सुधार करके लिख लीजिएगा, सही से करेक्ट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ना यहाँ ये जो 3x जाएगा ये -18 - 3x है ना, वो मिस्टेक था, बाकी सब कैलकुलेशन इसकी सही है, ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बस यही काम है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे है ना, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार बैक करके, बाकी वो जो वहाँ पे 20 लिखा हुआ वो 3x होगा ना, उसको सही कर लीजिएगा है ना। अब दोस्त क्या करेंगे यहाँ से ध्यान देखिएगा, -18 आप देखिए गौर से, पहले ये निकाल लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं पता था, जीरो जीरो रख दिए, जब y की तरफ आया तो ये 1/20 - 18 - 3 × x अब निकल चुका है उसको पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.85 और दोस्त ये हो जाएगा प्लस जेड, जेड का मान क्या है दोस्त, जेड का मान देखो तो जेड का मान क्या है, नहीं है, नहीं है तो जीरो, नहीं है तो जीरो, जेड अभी निकला है क्या, नहीं निकला है तो जेड नहीं है तो जीरो। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, -1.0275 ओके दोस्त यहाँ तक ये हो जाएगा। फिर जब बढ़ेंगे हम लोग जेड जेड वन की तरफ तो जेड वन वाला में चलेंगे तो 1/20 - 25 माइनस का 2 × x, x की बात करें दोस्त ध्यान से देखिएगा, x की बात करेंगे तो x अब निकल चुका है 0.85 इसको रख लेंगे, नहीं निकला रहता तो नहीं रखते 0.85 है ना। आप देखिए अब प्लस 3y तो 3 × देखिए प्लस 3y तो 3 × का y का मान दोस्त देखो क्या होगा, चूंकि y निकल चुका है y1 तो इसका मान पुट कर लेंगे क्या आया है -1.0275 ये पुट कर देंगे। अब यहाँ से पुट करने के बाद हमें कितनी वैल्यू मिल रही है ये बताइए जरा, 1.0 1.0 1 0 1 0 8 7 5 8 7 रहने दीजिए बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है ओके 1.01087 दोस्त यहाँ तक करने के बाद
अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, है ना, नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मतलब क्या, सेकेंड इटरेशन की तरफ। क्या क्या कहेंगे, पुट एक्स बराबर, ध्यान से देखो अब क्या करेंगे, अब तो हमको एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन तीनों पता है। तो अब जब ऐसे इसको निकालने जाएंगे x वाला को, तो y1 जो पता है और z1 जो पता है वो पुट करेंगे, ठीक। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकेंड इटरेशन की तरफ। नाउ पुट x1 y1 z1 इन इक्वेशन फोर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, we get second iteration as, कैसे हम निकाल रहे हैं हम लोग, x2 is equal to, second iteration कैसे निकलेगा, x2 बराबर क्या होगा दोस्त, x2 बराबर देखो गौर से, 1 by 20, 1 by 20 17 minus y plus 2z, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, y और z का मान, y1 और z1 का मान पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 by 20, 1 by 20 इंटू का 17 माइनस का, 17 माइनस का वाई माइनस टू जेड, तो माइनस वाई माइनस टू जेड, माइनस टू जेड, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, एक मिनट, माइनस वाई प्लस टू जेड। अब यहाँ प्लस टू जेड इसमें है क्या, पुट कर लीजिए x2, तो x2 निकालने के लिए क्या कर लोगे आप, तो का वैल्यू पुट कर दोगे, क्या होगा, 1 बाई ट्वेंटी सेवेंटीन माइनस का y के बदले y1, y1 का मान कितना बोलो तो, माइनस वन पॉइंट, माइनस वन पॉइंट, हाँ माइनस वन पॉइंट, माइनस वन पॉइंट, माइनस वन पॉइंट जीरो टू से टू टू सेवन फाइव, माइनस वन पॉइंट जीरो टू सेवन फाइव, अच्छा आप प्लस टू इंटू का जेड, जेड का मान बताओ तुम, जेड वन का वन पॉइंट जीरो है, वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन जीरो एट जीरो एट, और रहने दो रहने दो रहने दो, है ना, ये सफिशियंट। हालांकि पूरा लिखोगे तो जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी जल्दी आंसर के करीब पहुँचोगे, है ना, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है ये, वन पॉइंट जीरो जीरो टू फोर, क्या बात, तो रहने दो रहने दो, सिक्स टू फाइव रहने दो उसके, इतना ठीक है, ठीक आगे। अब y2 निकालने जाएंगे तो उसी तरह से 1 बाई ट्वेंटी माइनस 18 माइनस 3 इंटू का x, x का मान, तब देखो ध्यान से, ये x2 आ गया है ना, तो x1 नहीं रखेंगे आप, अब ये आ गया तब इसका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1.0024, और क्या था, प्लस z था ना, z का मान क्या है, तो z अभी नहीं आया है, z z2 तो अभी नहीं आया है, तो z1 नहीं रखेंगे, तो z1 कितना है, 1.01 1.08, ओके ओके, कितना रहा बाबू ये, माइनस माइनस ट्रिपल एट, हो गया, बहुत बढ़िया। जेड टू, हाँ जेड टू में क्या होगा, 1/20 हाँ 25 माइनस का हाँ टू इंटू का 1.00 यहाँ पे ये क्या था, एक्स था, हाँ प्लस थ्री गुना का वाई था, तो वाई देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, जेड टू निकालने जा रहे, तो वाई टू आ गया है, है ना, तो वाई टू का मान देखो, एक्स एक्स टू ये आया हुआ है, तो एक्स टू के एक्स टू ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये निकला हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा वाई, तो वाई का मान क्या है, ये वाला रखेंगे वाई, क्योंकि वाई टू आ चुका है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 0.9998, है ना दोस्त, ये पूरा लगा दिया वाट, है ना, हम लोग कैलकुलेशन करवा करवा के, है ना, बताइए कितना होगा, 0.999 0.999 78 दोस्त। अब बताओ 0.999 को आप क्या कहोगे, वन
0.998 को क्या कहोगे, 1.0024 को क्या कहोगे, 1। देखो गौर से, इसमें दुई इटरेशन में हम पहुंच गए लगभग अपने आंसर के करीब में, ये 1, ये 1, ये 1, दो इटरेशन में ही पहुंचे आंसर के करीब में, उसमें तीन इटरेशन पे जाके पहुंचे थे। तो ये है कन्वर्जिंग रेट, इसकी थोड़ी फास्ट होती है। तो हम लोग यहां से कह देंगे सो या फिर लिखेंगे नाउ, क्या कहेंगे, नाउ एक्स बराबर एक्स टू लगभग 1, वाई टू लगभग -1 और z = z2 ऑलमोस्ट 1। दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवेन इक्वेशन, दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर गिवेन इक्वेशन। जय हिंद जय भारत, है कि नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने गर्दा उड़ा दिया इसका, है ना, और कंप्लीट कर लिए इसको। तो कुल मिला के ये था आपका गॉस सीडल मेथड। अपेक्षा करते हैं कि आपको गॉस इलिमिनेशन और गॉस सीडल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने की, क्योंकि देखते हो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं और एक ही तरीके के काम करना है चूंकि। तो आप क्या करना ना, कि आपका एग्जामिनेशन भी नज़दीक है तो 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लेना और पूछा हुआ क्वेश्चन सारा कर लेना। और अगर क्वेश्चन करने भी जा रहे हो तो इधर उधर क्वेश्चन ना करके अपना प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन है उसमें से पूछा गया वो क्वेश्चन कर लो। अगर उसमें नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन आप अलग से, 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें हम बताएं उसके अलावा कर लो। बाकी आप इतना करके जाते हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप 100% अच्छे से इसको क्वेश्चन को करके आओगे और हम लोग भी अच्छे से पूरी कंप्लीट भी किए हैं इसको। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आप लोग तो ये पूरी जो न्यूमेरिकल सोल्यूशन की जो मोह माया थी अच्छे से समझ में आ गई। तो आप कहेगा कि सर न्यूमेरिकल सोल्यूशन पूरा इतना ही, नहीं दोस्त, आपको हम पहले बताया कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन बहुत वाइड ब्रांच बन चुका है। आज हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, तो जितना हम लोग को करना था हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अपेक्षा करते हैं कि आप भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जूनियर लोग आ रहा है तो बात हम कहना ये चाह रहे थे कि उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर पूरी कोर्स प्रोवाइड कर दिया गया है। पॉलिटेक हब जूनियर क्लासेस को, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाली है और उनकी वीडियो रिलीज होना भी शुरू हो गई है। तो आप देख लीजिएगा। और आप लोग के, अगर आप लोग के समक्ष आए या आप लोग के कॉन्टेक्ट में भी जूनियर लोग अगर होंगे तो उनको जरूर ये शेयर करके कहिएगा, जैसे आप लोग भी, आप लोग फ़ायदा उठा रहे हो पॉलिटेक हब का, उनको भी सजेस्ट कीजिए ताकि वो भी उठा पाए और हम लोग को मिलकर आगे बढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।